दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी कल पश्चिम बंगाल और बिहार में थे, आज वो महाराष्ट्र और गोवा में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम और प्रियंका गांधी गुजरात और महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे। पहले दो चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अगले दौर का प्रचार अभी से चरम पर पहुंच चुका है। तीसरे दौर की वोटिंग में 11 दिन बाकी हैं, यानी कि नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए इस दौर में काफी वक्त मिल रहा है। तीसरे दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें गुजरात की 25 सीट भी शामिल है, जबकि वहां कुल 26 सीट है। लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। तीसरे दौर में दादर और नगर हवेली और दमन दीव की 2, गोवा की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के रण के लिए नेताओं ने कमर कस ली है और वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। मिशन 400 पार के लिए पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वो एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। अब उनका फोकस उन राज्यों पर है जहां बीजेपी और सहयोगी दलों ने पिछली बार बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लिहाजा वो उस प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं। साथ ही उन राज्यों पर भी वो फोकस किए हुए हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार परफॉर्म तो अच्छा किया था, लेकिन जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है उसे इस चुनाव में पूरा कर लिया जाए ताकि 400 पार का आंकड़ा हासिल किया जा सके। पीएम ने पश्चिम बंगाल की मालदा में एक बार फिर से टीएमसी और इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। मालदा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। उत्तर तो बीजेपी के पास है, जबकि दक्षिण सीट पिछली बार बीजेपी महज 8,000 वोटों से हार गई थी। दक्षिण सीट कांग्रेस के पास है। पश्चिम बंगाल के मालदा के बाद पीएम मोदी बिहार के अररिया और मुंगेर पहुंचे। अररिया में मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए प्रचार किया, जहां तीसरे चरण में वोटिंग है, जबकि मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे, वहां चौथे फेज में चुनाव है। वहां पर पीएम ने आरजेडी को निशाने पर लिया। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। मुंगेर की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ करना चाहती है ताकि एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है, रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है। और उसका परिणाम यह आया
कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। पीएम मोदी आज दो राज्यों का दौरा करेंगे। सबसे पहले वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे कोल्हापुर में एक जनसभा करेंगे, तो उसके बाद शाम 7 बजे गोवा के साउथ गोवा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जहां इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो कांग्रेस भी जोरदार पलटवार कर रही है। पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में पीएम पर जोरदार हमला किया। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे, एक तरफ वो लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का असर वोटर पर कितना पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से बड़े नेता कहां पर प्रचार करेंगे, कहां पर रोड शो करेंगे। आइए आप थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। वो महाराष्ट्र में शाम को 5 बजे रैली करेंगे कोल्हापुर में, फिर दक्षिण गोवा जाएंगे और शाम को 7 बजे दक्षिण गोवा में आज उनकी रैली है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। ये तीसरे दौर के लिए जो चुनावी प्रचार चल रहा है उसके क्रम में आज वो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो पोरबंदर गुजरात में सुबह 10 बजे उनकी रैली है, फिर वो आगे बढ़ेंगे, भरूच जाएंगे, वहां पर दोपहर 1:30 बजे उनकी एक चुनावी सभा है, और आपको बताएं फिर पंचमहल गुजरात में ही दोपहर 3 बजे वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, और फिर एक रोड शो करेंगे वडोदरा में शाम को 4:30 बजे। यह अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम है आज का, 4 बड़े कार्यक्रम गुजरात में होंगे। आइए कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे असम में गुवाहाटी में, दोपहर 12 बजे का वक्त होगा, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे असम के ही बरपेटा में। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करेंगी, आइए अब आप वो भी जान लीजिए। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे वलसाड़ गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, फिर आगे वो महाराष्ट्र जाएंगी और महाराष्ट्र के लातूर में 3:20 दोपहर में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कन्नौज से चुनाव मैदान में है, वो देखिए कन्नौज में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। 4 चुनावी रैलियां हैं कन्नौज में उनकी आज, 4 जगहों पर कन्नौज में अखिलेश यादव चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।